उन्होंने कोई आरोप ही नहीं लगाया हमारे पास तो उसमें कोई आरोप नहीं लगाया तो खुद ही घबराहट में भाग गए वो नासबे जानते ही नहीं कानून पर तो कोई उसने गुनाह नहीं किया न्यायपालिका में सबका विश्वास है ना अंत में मामला न्यायपालिका पे जाएगा इसलिए उनको न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए अभी तो पुलिस ने कोई जाना अगर आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं पुलिस कह रही तो गलत कह रही जब तक कोई बयान ना हो उसके बयान ना हो

तरह तरह के केस निकालने के भी दावे कर रही है लेकिन कानपुर के ही सांसद जी ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं उन्होंने विधायक की तरफ से उनकी फैमिली के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर भी लिखा है सांसद जी हमारे साथ खुद हैं हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह एक लेटर लिखा है कौन आया था मिलने और क्या लिखा है सर कौन आया था आपसे मिलने क्या लेटर लिखा है आपने उनका परिवार मुझसे भेंट करने आया था और उन्हों वो उन्होंने जो सारी घटनाक्रम पे जांच की मांग की है तो उन्होंने वो जांच की मांग को प्रमुख सचिव को गृह को अग्रसारित कर दिया कि न्यायचित कार्रवाई करें अच्छा उन्होंने जो सर आरोप लगाए हैं पत्नी उनकी माँ ने पुलिस पे तो उनमें क्या सत्यता कुछ नजर आई है जो उत्पीड़न के जो आरोप लगाए उन्होंने कोई आरोप ही नहीं लगाया हमारे पास तो उसमें कोई आरोप नहीं लगाया वो तो खुद ही घबराहट में भाग गए वो ना सब जानते ही नहीं कानून तो कोई उसने गुनाह ही नहीं किया लेकिन हाँ बाद में वो उस उस, उस अनजाने में तमाम गुनाह हो गए नहीं उनकी पत्नी का कहना था मैंने रात में दो बजे पुलिस घुस आई थी इस तरह के जो पुलिस पे आरोप लगाए थे इन पे क्या कहना है आपको ये तो भाई जांच का विषय है ना गई कि नहीं गई हमें तो नहीं पता आप ना आप थे ना हम थे तो हमें तो नहीं पता हमने तो जो उन्होंने हमसे मांग की हमसे अपेक्षा की सांसद के नाते कि न्याय सबको तुष्टिकरण किसी का नहीं तो मैंने न्याय कार्रवाई की बात देख दी पुलिस ने कल एक दावा किया था कि विधायक जी जब यहाँ से गए हैं तो फर्जी आधार कार्ड बनवा के ले गए हैं उसमें चार लोगों को जेल भी भेजा गया है तो लगता है विधायक का कार्य सही है इस विषय में न मुझे कोई जानकारी है न मुझे कुछ कहना है तो अब क्या होना चाहिए पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए उन्हें स्वयं आके कानून के के अनुसार आपने आपको कानून के हवाले करना चाहिए भाई न्यायपालिका में सबका विश्वास है ना अंत में मामला न्यायपालिका पे जाएगा इसलिए उनको न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए तो पुलिस को आप क्या क्लीन चिट दे रहे कि जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है मैं तो नहीं दे रहा हूँ वो तो जांच का विषय है वो जांच कराए नहीं नहीं पुलिस जिस तरह से एक्शन कर रही है विधायक के ऊपर उनके शिकायतें आ रही हैं जो जांच कर रही है मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे नहीं है हाँ उनके परिवार ने इतना जरूर कहा था कि पुलिस ने मेरा कोई उत्पीड़न नहीं किया है ये उनके परिवार ने कहा कुछ ये मानते हैं कि पुलिस ने कुछ जल्दबाजी की क्या माने कि की विधायक है उसको भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए जो आगजनी के मुद्दा तो उसकी जाँच होनी चाहिए तो कुछ यही तो जाँच का विषय है तो यही जांच की उन्होंने मांग की है तो वो हमने प्रमुख सचिव गृह को लिख दिया कि जांच कराओ नहीं आज ये सांसद के रूप में आप कानपुर के सांसद हैं आपके भी वो जनता एक तरीके से तो क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं इस केस में पूरा जानता नहीं हमारे पास जो आएगा तो न्याय सबको तुष्टिकरण किसी का नहीं हाँ चूंकि हमारे वो हमारे मतदाता भी है जनप्रतिनिधि भी है लेकिन मतदाता भी मतदाता की रक्षा करना ये मेरा दायित्व है और हमसे वो मांग कर रहा है तो मैंने मैं न्याय संगत जो समझा वो मैंने उनकी मांग को अग्रसारित कर दिया क्या न्याय संगत समझा आपने इसमें हमने यह शासन अपने तर्त जांच कराए पुलिस की जांच से संतुष्ट है कि नहीं है? मुझे पता ही नहीं क्या जांच हो रही पुलिस कह रही है कि आग जनी इनका नाम आया है इसलिए वो ये फरार हो बनाया है, से भाग हैं, अभी तो गलत कह रहे हैं तो गलत कह, पुलिस कह रही तो गलत कह जब तक कोई बयान ना हो उसके बयान ना हो और चश्मदीद बयान न जुटाए जाए अभी तो केवल ये आरोप आप बात कर रहे हैं कि जिसने आरोप लगाए की आग जनी की उसकी बात कर रहे हैं आप पुलिस भी जब तक कोई जांच नहीं कर लेगी तब तक पुलिस कुछ कह ही नहीं सकती और पुलिस जांच एक दिन में तो होती नहीं जांच में समय लगता है कार्रवाई होती है तो पुलिस जांच करेगी तो अपने आप तथ्य सामने आएंगे तो ये हैं कानपुर के सांसद जो कह दावा कर रहे हैं कि सभा विधायक भी हमारे वोटर हैं इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए जो उनके परिवार के लोग आए थे मुझसे अपनी कंप्लेन करने के लिए कि हमारी निष्पत जा इसके लिए मैंने गृह सचिव को लेटर लिखा है लेकिन इतना जरूर है कि सांसद जी के इस इस लेटर से, इस से कानपुर की पुलिस की जो कार्यवाही है वो कड़घरे में जरूर आ गई है और अब देखना ये होगा कि गृह सचिव स्तर पर सांसद जी के लेटर पर क्या कार्रवाई होती है क्योंकि सांसद सब जो बचौरी जी सिर्फ सांसद ही नहीं पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं मंत्री रहे हैं और संगठन में भी एक बड़े पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में जब कानपुर के सांसद ही पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए तो पुलिस को जवाब देना शायद ही मुश्किल होगा अब देखना है पुलिस इरफान सोलंकी पर किस तरह की आगे और क्या कार्रवाई करती है रंजय सिंह